ये वादी है बनू साद है, ताइफ से 50 किलोमीटर दूर है ये वादी। और ये जो मुकाम आप देख रहे हैं ये दरख्त है, इस दरख्त के नीचे हज़रत मोहम्मद सवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था। वल्लाहु आलम, जो निशानदेही की गई है वो इस वादी में ये मुकाम बनता है। और जब हज़रत मोहम्मद सवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई हलीमा के घर तशरीफ़ लाए थे और 2 साल तक वो यहाँ पर रहे, और जब वो खेल कूद में मसरूफ़ थे, जैसे अमूमन बच्चे खेला करते हैं, तो तब अल्लाह पाक की तरफ से एक फ़रिश्ता नाजल हुआ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। और ये मुकाम वही बताया जाता है, अल्लाहु आलम, लेकिन ये वादी वही वादी है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन के 2 साल दाई हलीमा के साथ गुजारे। सुभानअल्लाह, ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और यहाँ की ज़ियारत कर रही है।